हाय एवरीवन, सो वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज तो अपन जरी है नवी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स की सीरी है, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। ये मेरा पहली बार ही है अपने चैनल पे जरी मैं करंट अफेयर्स सीरीज जरी है स्टार्ट करने वाली हूँ। इस सीरीज़ के बारे आज की क्लास के सब तो पहला मैं तुम्हें ये दस देनी हाँ कि जेडे आप करंट अफेयर्स करांगे डेली बेसिस नाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करांगे और आप डिटेल दे विच डिस्कशन करांगे। जेडे क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो मैं अगले दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन जेडे इंक्लूड करांगी, नहीं तो आप वीकली जेडे है क्वेश्चन रिवाइज कराया करांगे। और 99% मैं श्योर है कि तुहानू एदे चो ही पेपर जेडा है देखण नू मिल जाएगा। अगर तुसी पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुसी PSSSB की तैयारी कर रहे हो, पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो तुसी डेली इस करंट अफेयर्स की वीडियो नू फॉलो कर सकते हो। आज तो मैं फिलहाल लेट हो गई हाँ, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि जड़ी ये वीडियोज़ है ठीक है अपनी 10 बजे तो पहला जड़ी है तुहानू क्लास के विच जड़ी है मिल जाए ठीक है मेरे चैनल पर। और अगर तुहानू क्लास अच्छी लगती है तुसी सबसक्राइब भी कर सकते हो। तां सब तो पहला जड़ी करंट अफेयर अपनी न्यूज़ आई है वो कर्नाटका दे कोलो आई है। कर्नाटका ने एग्री किया है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आ स्टेट। देखो होया की है कि कर्नाटका ने हाल ही दे विच साइन किया है लैटर ऑफ इंटेंट किदे नाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे नाल। ते इत्थों एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइटल तो ही ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही दे विच किस पर्टिकुलर स्टेट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे नाल जिहड़ा है लैटर ऑफ इंटेंट साइन किया या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किस वास्ते कह लो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिहड़ा है स्थापित करन वास्ते। हुण इहदे बारे गल करते हैं, जिहड़ा AI सेंटर होएगा कर्नाटका दे विच, ए ओनली वन होएगा इंडिया दे विच, हजे तक इको ही है, और ये अंडर WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक कह लो फोरम दे अंडर ओनली वन होएगा जो इहदे अंडर आएगा। और ये की करेगा जिहड़े इंडस्ट्रीज होंगे, क्योंकि अजकल की है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस बहुत अगे जा रही है, तो उसके डिवेलपमेंट वास्ते ये तुहाडा ओपन अप होएगा सेंटर कितने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का कर्नाटका वाली साइड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीगा, याद रख लेना, क्योंकि बेंगलुरु की गल की जाए IT हब है और बेंगलुरु कितने कर्नाटका वाली साइड ही है। इवनली बेंगलुरु के बारे भी गल याद रख लेना कि उत्थे वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गए हैं एंड बेंगलुरु जोड़े वाटर क्राइसिस देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द मानसून। मानसून जोड़ा है आया नहीं हैगा, दूसरा कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट के करके उत्थे वाटर क्राइसिस जोड़े है हो रहे हैं। उस तो बाद अपने को आंदा एक बेल्जियम बेल्जियन डच ड्राइवर है जिन्हों का नाम है मैक्स वर्स्टैपन ठीक है। और इन्होंने अगर आप गल करिए वर्स्टैपन इन्होंने जोड़ा है डच फ्लैग जोड़ा है कंपीट किया, मतलब कि Formula 1 रेस जी है रेड बुल नाम दे कह लो अंडर उन्होंने ये जीती है। अच्छा, ये रेडबुल की है जिमें अपनी टीम होंगी है, रेडबुल एक नाम है टीम का, और जोड़ा है मैक्स परसन जड़े है इन्होंने पहला अवार्ड जड़ा है जितया। तो Formula 1 दी रेस दे विच पहले परसन कौन रहे ये तुहानू याद रखना है। उस तो बाद एक होर चीज़ है, इस क्लास की अगर PDF चाहिए तो मेरे टैलीग्राम चैनल तो मिलेगी, नीचे कमेंट्स दिए जाएंगे उदे विच, कमेंट्स दे विच मैं पिनअप कर दाँगी मेरा टैलीग्राम चैनल, तुसी पूरी PDF उत्थों लै सकते हो ठीक है शाम। दैन फरदर अगे आने कुछ टोटल अगर देखा जाए 3 टॉप प्लेयर सिगे, बट इन्हों के नाम याद रखने की लोड़ नहीं है, पंजाब के गवर्नमेंट एग्जाम से विच इदा दे क्वेश्चंस जड़े हैं ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। सिंपल सुसी नंबर 1 जड़ा है नाम जड़ा है याद रख सकते हो। उस तो बाद आता है इंडियन पेयर ठीक है, 2 परसनस हैं उन्होंने जड़ा है कह लो मैंस डबल टाइटल जड़ा है फ्रेंच ओपन 24 से जितया 2024। हुण ये है ये बहुत सारे विनर्स रहे हैं जिमें कि फ्रेंच ओपन 2024 के मैन सिंगल दे विच अगर आप देखिए शी यू की चाइना तो रही है, और रनर अप कौन रहे है, मतलब जिमें एक पहली कैटेगरी दे विच आंदा एक रनर अप हुंदा जो कि सैकेंड कैटेगरी दे विच आ रहा हुंदा। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन एवें तो आस करेगा नहीं कि रनर अप केड़ा रहा है, तो मैं तुहानू रनर अप भी दस रही हाँ, बट तुसी ये चीज़ याद रख सकते हो कि फ्रेंच ओपन दे विच 2024 दे विच मैन कैटेगरी दे विच चाइना दे शी यू की जीते है, वूमेन सिंगल दे विच एन से यंग जो कि साउथ कोरिया जीती है, मैन डबल्स वूमेन डबल एंड मिक्स डबल पंजाब दे गवर्नमेंट एग्जाम से नहीं आते, बट ऑल इंडिया दा गवर्नमेंट एग्जाम दे जाओगे तो जरूर आ सकते हैं कि कौन से 2 परसन है
जो जीते हैं। तो वट यू हैव टू डू, तुहानू एक बार इनू रीड करना हैगा, बस उस तो बाद तुसी केड़ा टेंशन फ्री हो सकते हो। याद तो रहनगे नहीं, बट फिर भी एक बार रीड कर लेना। उस तो बाद जिहड़ा फ्रेंच ओपन सीगा, ठीक है, 94th एडिशन सीगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जिहड़ा है ऑर्गेनाइज किया गया, 5 तो लेके 10 मार्च तक जिहड़ा है 2024 तक हेल्ड होया सीगा। अच्छा, ये जिहड़ा फ्रेंच ओपन सीगा हेल्ड कित्थे होया सीगा, ये होया सी फ्रांस दे विच। अगर तुसी देखोगे अरेना पोटे दे चापले पैरिस फ्रांस दे विच जिहड़ा है ये होया। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कितने होया। उस तो बाद फ्रेंच ओपन के बारे कुछ इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन जो एग्जाम्स आस्क हो सकती है, जिवें कि फर्स्ट एडिशन जिहड़ा है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट का कदों हेल्ड होया सीगा, 1909 के करीब, और इसनों रिकॉग्नाइज किया गया सी 5 BWF वर्ल्ड टूर सुपर 70-50 इवेंट्स इन 2018। एग्जाम के स्टैटिक जीके तो भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स कितने है या प्रेजेंट कद है, कौन है या इस्टैबलिश कदों किया गया। तो तुम्हें याद रखना है बैडमिंटन जोड़े है वर्ल्ड फेडरेशन की गल की जाए 1934 के इसमें इस्टैबलिश किया गया, हेडक्वार्टर्स ये कितने आ जाते हैं मलेशिया के, और प्रेजेंट याद रखना है रख लियो, नहीं रखना है तो लैफ्ट इट आउट कर सकते हो, नहीं आता पेपर च, डोंट वरी। उस तो बाद आसिफ अली जिहड़े है जरदारी की गल की जाए, इन्होंने पाकिस्तान के 14th प्रेजेंट बने हैं सैकेंड टर्म के लिए। हेयर उन्हों की जी है पिक्चर है, पाकिस्तान जिहड़ा साडे नाल बॉर्डर शेयर करता है, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के जिहड़े प्रेजेंट है करंटली कौन है। उस तो बाद फ्यूचर जनरली लॉन्चिज द हेल्थ पावर पावर हर, ठीक है, पॉ हर, इन्होंने पावर हर अ यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर वूमेन, ठीक है। फ्यूचर जर्नल ने एक वूमेन्स के वास्ते हेल्थ इंश्योरेंस के वास्ते जोड़ा है एक हेल्थ इंश्योरेंस जी है स्कीम चलाई है, जिस अंदर जी वूमेन्स की प्रॉब्लम्स होंदिया ने, चाहे वह पीरियड्स तो लैके हो जाए, बेबी डिलीवर करने तो लैके हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर तो लैके हो जाए, उन्होंने टैकल करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अगर इतने तुम देखोगे ये ज्वाइंट वेंचर है, फ्यूचर जनरल का ज्वाइंट वेंचर है, जनरलाइज ग्रुप और फ्यूचर ग्रुप ने जरा ज्वाइंट वेंचर किया है, ता इंश्योरेंस स्कीम जी है कड़ी है, और फ्यूचर जनरलाइज इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ए किस पर्टिकुलर स्टेट दी है, महाराष्ट्र मुंबई बेस्ड जी है कंपनी है जिसने ये स्कीम जी है चलाई है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेल्थ पावर हर, ठीक है, ये किस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी ने ये स्कीम जी है चलाई। उस तो बाद आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम जी है स्टार्ट की है, ताकि वह फाइनेंस कर सकन अर्थ फ्रेंडली। तो क्वेश्चन एग्जाम दे विच सब तो पहला याद रखना किस तरीके नाल बनेगा, किस बैंक ने हाल ही दे विच अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम जी है स्टार्ट की। इस तो ज़्यादा पंजाब की गवर्नमेंट एग्जाम इन्ना डीप नहीं जाता, बट चलो बैंक ऑफ बड़ौदा वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग पब्लिक सैक्टर बैंक है, ठीक है। इन्होंने बॉब अर्थ ग्रीन टर्म जी है लॉन्च की है, एक डिपॉजिट स्कीम है जिदे विच वो फाइनेंस जिहड़ा है करनगे इनवायरमेंट दे जिन्ने भी फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होंगे या सैक्टर्स होंगे जो इनवायरमेंट नू हार्म नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी अगला आता है सिडबी ने सिक्योर किया है फर्स्ट ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट वर्थ $120 million। दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिडबी की अगर आप गल करिए, इन्हें पहला ग्रीन फर्स्ट क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट जरा है स्टार्ट किया है। सिडबी का मतलब की होंगे है, यदा मतलब होंगे स्मॉल इंडस्ट्री डिवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एग्जाम से क्वेश्चन आ सकता है ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट जड़ा है जो कि वर्थ $120 million का है, एक किस बैंक ने जड़ा है स्टार्ट किया, और इसनों जड़ा है उन्होंने मतलब बेसिकली किदे नाल एंकर किया है, मतलब कि इस फंड का जड़ा प्रोजेक्ट है ये भी तुम्हें याद रखना, इसका नाम है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, ठीक है। कहिंदा हैज सिक्योर द अप्रूवल फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर इट्स फर्स्ट एंकर प्रोजेक्ट जिहदा नाम है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, ठीक है। बाकी इहदे विच कोई खास ऐसी गल नहीं है जो तुहानू याद रखनी होवे, बस सिडबी के बारे याद रख लेना। सिडबी के हैडक्वार्टर्स कित्थे है, लखनऊ दे विच है, उत्तर प्रदेश के, और इहदे इस्टैबलिशमेंट कदों की गई है 1990 दे विच। वैसे तो बैंक्स के मेनली कई बार देखा गया है कि इस्टैबलिशमेंट ईयर पूछ लिते गए है, पंजाब पुलिस के पूछे जाते हैं, जिवें नबार्ड के नबार्ड का पूछ लिता जाता है, तो थोड़े बहुत बैंक्स के जिहड़े इस्टैबलिश ईयर तुहानू पता होने चाहिए, जिवें आर बी आई की स्थापना कदों हुई 1934 एक्ट के तहत 1935 दे विच हुई, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, इंडस बैंक ने लॉन्च किया इंडिया द फर्स्ट कॉन्टैक्टलैस पेमेंट वेयरेबल इंडस पेवियर। तो बहुत सारे बैंक हूँ स्टार्ट कर रहे जिवें घड़ियाँ होंदिया ने, ठीक है, घड़ियाँ तुम पाइया वो ही पेमेंट कर सकते हो। तो क्वेश्चन इदा बनता नहीं है ये इंडस पेवियर, क्योंकि ये नाम भी आ जाता है, ठीक है, तो खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस एक करंट अफेयर्स ही न्यूज़ आ जाती है। अच्छा, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, पनामा बिकम्स अ 97th मेंबर टू रेटिफाई द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 97 मेंबर जी कि कंट्री बनी, तो याद रखना पनामा, ठीक है। पनामा के अंबैसडर जो आप सेंट्रल लैवल एग्जाम्स की गल करांगे उत्थे पूछे जाएंगे, बट पंजाब के गवर्नमेंट एग्जाम्स के शायद ही पूछ जाए, बट ये जरूर पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 97th मैंबर जोड़ा है किड़ा बनया, कौन बनया, किड़ा देश बनया, तो पनामा इज़ अ राइट आंसर। उस तो बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस है की है, इसनों इस्टैबलिश किया गया सी पैरिस के, दिस वन इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, और फ्रांस के इन 2015 एक तरीके का ज्वाइंट एफर्ट है इंडिया और फ्रांस का, ताकि क्लाइमेट चेंज जरा अपना देखने को मिल रहा है उसनों देखा जा सके और एक इदा के सोल्यूशनस क्ढे जा सकन जो सूरज तो चलन वाली चीज़ा दे होंगे है। तो यह ज्वाइंट वेंचर कि आ गया, कि दो कंट्रीज आ गया, इंडिया तो फ्रांस का, यह भी गल याद रख लेनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट आ जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर द इंडियन आर्मी, ओके। और देखा जाए किस पर्टिकुलर जिम्मे मिनिस्ट्री ने साइन किया है, ये इंपॉर्टेंट है, कि वास्ते किया इंडियन आर्मी दे और किस स्टेट के नाल किया है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। तो तमिलनाडु चेन्नई बेस्ड बिग बैंग बूम सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाल इन्होंने जोड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किस वास्ते, ड्रोन सिस्टम वास्ते, एंटी ड्रोन सिस्टम वास्ते, ठीक है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम वास्ते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 200 करोड़ का की साइन किया, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया स्टेट के नाल, किस स्टेट के नाल, तमिलनाडु के नाल, तमिलनाडु की जिहड़ी कंपनी है जिहदा नाम है बिग बैंग बूम सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। उस तो बाद जिहड़ा दवाइया का डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इन्हों ने एक जी है स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। इस स्कीम का नाम की है रीवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। तो यदि ना फुल फॉर्म आ सकती है कि आर फॉर की है, पी फॉर की है, बट मैं इदा लगता नहीं है कि इन्ना डीपली एग्जामीनर जोड़ा है जाएगा, तो लेफ्ट आउट जोड़ा है ये कर सकते हो, ठीक है। तो बस अगर आप देखिए तो अज के जोड़े क्वेश्चन सके कुछ इन्ने को ही बने, इन्ने को ही जोड़े करंट अफेयर से जोड़े इंपॉर्टेंट से। हूँ जो आप नैक्सट लैक्चर के करा तो इन दे रिलेटिड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा, और इन द नैक्सट अपकमिंग लैक्चर जो अपना अज 15th ऑफ फैब है जिमें, ठीक है, 15th मार्च का जोड़ा अपना अज का वीडियो सेगा, और कल अपना जोड़ा 16th मार्च का आएगा, तो वो आप अगले दिन के जोड़े है डिस्कस करा। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सबसक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।